नमस्कार, आप सभी का जवाहर कला केंद्र की ओर से मैं आकांक्षा जोशी आज के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रन समर फेस्टिवल में स्वागत करती हूँ। द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली, जी हाँ, कैलीग्राफी। आज हमारे साथ हैं कैलीग्राफी राइटिंग एक्सपर्ट हरिशंकर बालोटिया सर। सर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी साइंस से ग्रेजुएट हैं। बचपन से ही सर का रुझान ड्रॉइंग पेंटिंग में रहा है। हाल ही में सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो आइए चलते हैं हरिशंकर बालोटिया सर के पास ऑनलाइन कैलीग्राफी सेशन में। नमस्कार, जवाहर कला केंद्र के तरफ से ये जो कैलीग्राफी का छोटा सा सेशन है, इसमें आप सभी का स्वागत है और मैं अब अपना कैलीग्राफी का ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद। चलो, कैलीग्राफी जो है सुलेख कहते हैं इसको, और कैलीग्राफी जो है वो सुंदर राइटिंग होती है। सुंदर राइटिंग कैसे हो, इसी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास किया रहेगा। और आप देखिए, पूरा बेसिक पर हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। टोटल आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा और आप आसानी से कैलीग्राफी कर सकेंगे, सीख जाएंगे। तो मैं अपना ये सेशन चालू रखता हूँ। आप देखिए कि कोई भी राइटिंग है वो सिर्फ दो लाइन के बीच में चल रही है। दो लाइन के बीच में राइटिंग चल रही है, जो आपकी इंग्लिश है चाहे हिंदी है, वो दो लाइन के बीच में चल रही है। और ये इस तरह से राइटिंग आपकी दो लाइन के अंदर है। मेन राइटिंग जो है दो लाइन के बीच में है। कुछ अक्षर जो है ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और कुछ अक्षर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो राइटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ दो लाइन के बीच में ही है ना। इस तरह से ये हमारी राइटिंग चल रही है। आप लोग सब रोजाना कुछ न कुछ लिखते हैं, कुछ न कुछ इसमें काम करते हैं। कोई बहुत अच्छे से लिखता है, कोई बहुत गंदे से लिखता है, लेकिन क्या है कि ये राइटिंग चल रही है और आप सभी लोग उसमें अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से उसको लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, है ना। हम भी क्या है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से सीखेंगे जिस तरह से ये राइटिंग होती है और आप जैसे करते आए हैं उसको यहाँ। तो सिर्फ दो लाइन के बीच में राइटिंग है और पहली जो राइटिंग है इंग्लिश में वो स्मॉलर है, मतलब छोटी राइटिंग जो है कैपिटल नहीं थे। कुछ लेटर्स ऊपर की तरफ उठे, कुछ लेटर्स ऊपर की तरफ उठने वाले 7 लेटर हैं और नीचे की तरफ जो जाने वाले लेटर्स हैं वो 5 हैं। नीचे की तरफ जो है जाने वाले लेटर्स हैं वो, या पढ़ने वाले लेटर्स हैं वो 5 हैं, और ऊपर वाले जो उठते हैं वो 7 लेटर्स हैं। बाकी राइटिंग बीच के अंदर ही है। इसलिए क्या है, ऊपर के हिस्से को उस राइटिंग का हम, या उस लेटर का असेंडर पार्ट कहते हैं, नीचे वाले को डिसेंडर पार्ट कहते हैं। ऊपर वाला असेंडर पार्ट है और नीचे वाला डिसेंडर है। बाकी जो राइटिंग है इस दो लाइन के बीच में है, जो नीचे वाली बेस लाइन है और ऊपर वाली वेस्ट लाइन है, कमर वाली, है ना। और ये असेंडर
और ये डिसेंडेंट लाइन। इस तरह से ये राइटिंग लिखी जा रही है। पहली राइटिंग जो है स्मॉलर है, कैपिटल्स नहीं आए थे और कैपिटल्स बहुत बाद में जाकर के लिखने में आए और देखने में मिले। अब ये जो राइटिंग है ये सिंपल है और इसी तरह से हम एक राइटिंग जो है कर्सिव देख लेते हैं। वो कर्सिव किस तरह से है, वो इस तरह से है। ये राइटिंग 45 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, इसलिए क्या है कि ये कर्सिव है। दूसरा, ये राइटिंग जो है फास्ट लिखने के लिए या तेज गति से या तीव्र गति से लिखने के लिए जानी जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन ये इसका मेन तरीका है, बेसिक है ना। आप थोड़ा इस पर ध्यान दें तो इतना ही है। ये राइटिंग पूरे उसमें लिखी हुई है आपके फोर लाइन में, और फोर लाइन का मतलब ये है कि बीच की जो दो लाइन है उसी में राइटिंग है, वो आपकी हिस्सा है बॉडी का, और ऊपर का जो पार्ट है वो असेंडर है, नीचे का जो पार्ट है वो डिसेंडर है ना। ये असेंडर पार्ट है, ये बॉडी है और ये डिसेंडर है। इस तरह से ये राइटिंग आपकी चल रही है ना। आप सब लोग इसीलिए क्या है कि फोर लाइन की कॉपी दी जाती है और चार लाइन का कंसेप्ट भी यही है कि आप असेंडर में असेंडर की जगह पे जो लिखना है वो पार्ट लिखें और डिसेंडर में डिसेंडर वाला पार्ट है वो लिखें। कर्सिव राइटिंग में क्या है कि ऊपर के सात होते हैं और नीचे भी सात ही आपको मिलेंगे है ना। और जो सिंपल अल्फाबेट है उसके अंदर आपको मिलेंगे ऊपर जो असेंडर वाले हैं वो सात मिलेंगे और नीचे जो डिसेंडर वाले हैं वो सिर्फ पांच मिलेंगे। ठीक है, अब जो है हम आगे आते हैं कैलीग्राफी पे कि कैलीग्राफी जो है क्या है। कैलीग्राफी जब आप किसी प्रॉपर जगह पे लिख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, प्रॉपर स्पेस में लिख रहे हैं, कोई गलत उसमें तरीके से या गलत साइज में नहीं ले रहे हैं, तो जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से राइटिंग कर रहे हैं तो वो राइटिंग आपकी कैलीग्राफी में कन्वर्ट हो जाएगी या सुंदर हो जाएगी है ना। तो इसलिए क्या है कि हम आगे का एक छोटा सा एक हम इसको जान लेते हैं कि ये क्या है। अब जो है कैलीग्राफी का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर लिखना। और तो अभी क्या है कि हमारे पास जो साधन है जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं वो है पेपर। पेपर और कोई भी आदमी जहां कहीं लिखता है वहां उसको एक जगह नजर आती है, और वो जगह नजर आती है तो उसको क्या कहते हैं कि एक स्पेस कहते हैं। और वो स्पेस जो है लगभग लगभग चौकोर होती है,
लगभग जो है स्पेस एक चौकोर स्पेस है, उसमें एक ए लिखने के लिए अगर साधारण आदमी को बोले तो क्या है कि एक चौकोर स्पेस उसके दिमाग में आएगी और वो क्या करेगा, उसमें उसको आड़े और खड़े एक सेंटर स्पेस नजर आने लग जाएगा और उस सेंटर को क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से एक लाइन डालेगा, एक ए लिखने के लिए, फिर ये दूसरी लाइन डालेगा ऐसे, और फिर ये तीसरी लाइन इस सेंटर पे ले जाएगा। मतलब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना, इसको यहाँ से मिलाना है और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिलाना है, एक ए हमारा लिखा गया। अब लिखा गया मतलब उस स्पेस के अंदर वो काम हो गया। बी लिखना है तो वही एक स्पेस आई और ये सेंटर आड़ा खड़ा, इसमें क्या किया है कि एक लाइन इस तरह से, दूसरी लाइन इस तरह से, तीसरी लाइन इस तरह से चली, चौथी लाइन इस तरह से चली और पांचवी लाइन इस तरह से चली और छठी लाइन इस तरह से चली। मतलब छह लाइन में हमारा बी लिखा गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं तीन लाइन में ही इसको लिख देते हैं। फिर भी क्या है कि छह लाइनें हमारी लिखी जाती है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये राइटिंग हमारी लिखी जा रही है ना। अब यहां से यहां तक चलना, यहां से यहां तक चलना और यहां से यहां तक चलना, इस चलने को कहते हैं, पहले क्या हुआ, एक स्पेस आई, उस स्पेस के ये सेंटर्स हैं आड़े और खड़े, स्पेस है जो स्क्वायर है या चौकोर है, फिर इसमें ये हमने एक बी लिखा, उसमें भी क्या है कि ये चौकोर स्पेस है और ये इस तरह से एक खड़ी लाइन, फिर ये आड़ी, फिर ये गोल, फिर आड़ी, फिर गोल, फिर आड़ी, इस तरह से लिख के हमने बी लिखा या बी बनाया। तो क्या है कि इस स्पेस के अंदर हमारा काम चल रहा है या ये हो रहा है। अब ये काम चल रहा है मतलब क्या है कि आप कुछ लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक चलना, यहां से यहां तक लिखना, यहां से यहां तक लिखना, इसको कहते हैं स्ट्रोक। आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, स्ट्रोक का प्ले कर रहे हैं, है ना। कैसा स्ट्रोक है, ये वन, ये टू और ये थ्री, है ना। अब ये स्ट्रोक है हमारा तिरछा, तो ये तिरछा कौन सा हुआ, लेफ्ट का डायगोनल, और ये राइट का डायगोनल। है ना, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब इसमें जैसे ये एक स्ट्रोक, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया आड़ा हॉरिजॉन्टल, फिर ये हो गया कर्व, मतलब आपने क्या किया, कर्व लगाया, वन, फिर आड़ा, फिर ये कर्व राइट का, फिर ये आड़ा चौथा, फिर ये कर्व और फिर ये आड़ा, ऐसे करके छह स्ट्रोक लगाए और हमारा बी फॉर्म हो गया या लिखा गया। सी है उसमें इस तरह से, ये है वन ऐसे और ये फिर ये ऐसे, है ना। इसमें क्या हुआ, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो ये इस तरह से स्ट्रोक
लगाने से हमारा सी फॉर्म हुआ ये। अब इसमें जो है ये कर्व आपका लेफ्ट का हो गया, तो कर्व में लेफ्ट और राइट, वर्टिकल्स भी लेफ्ट और राइट होते हैं, हो सकते हैं, किसी किसी में एक वर्टिकल होता है, किसी किसी में दो वर्टिकल होते हैं। जैसे दो वर्टिकल हमने लगाए और एक हमारा आड़ा गया, तो एच फॉर्म हो गया या एच लिखा गया, है ना। ऐसे ही ये एक वर्टिकल, एक डायगोनल राइट का और एक ये वर्टिकल, ये एन फॉर्म हो गया या एन लिखा गया। तो क्या है, ये सब जो है डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, ये कर्व है, ये हमारे क्या है, स्ट्रोक्स के मूवमेंट है, स्ट्रोक्स के मूवमेंट है। अभी जितना भी देखा हमने, ऊपर की साइड से नीचे की तरफ चल रहे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ही आना है। मतलब जितने भी मूवमेंट है वो टॉप टू बॉटम आपका चलेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, है ना। लेकिन जो भी आदमी लेफ्ट हैंडर है, जो बाएं हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से लिखता है, वो क्या करेगा, वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल को, है ना, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है। बाकी अगर सीधे हाथ वाले हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव करेंगे या मूवमेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल्स का। बाकी सारे मूवमेंट जो है, कर्व लेना है, दो जैसे कर्व लिए, एक इधर का लेफ्ट का, दूसरा राइट का, ये लेते ही हमारा ओ फॉर्म हो गया, है ना। इस तरह से ये, जैसे ये बी, ए बी, ये पी, एक खड़ा और ये आड़ा, फिर ये गोल, फिर आड़ा, इस तरह से ये स्ट्रोक लगते जाते हैं और हमारा राइटिंग का काम होता जाता है। हम लोग क्या है, अब आगे इसके चलते हैं। तो ये हमारा जो है सिंपल अल्फाबेट्स है, यही अल्फाबेट्स जो सिंपल है, ये सब जो है रोम के अंदर पहले पहचाने गए, इसलिए ये राइटिंग जो है रोमन कहलाती है, है ना, ये रोम के अंदर पहचाने जाने की वजह से ये रोमन कहलाती है। और इस रोमन को लिखने का एक तरीका है, अब हम उसके ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो वो क्या तरीका है कि जब भी कोई राइटिंग आपकी लिखी जा रही है तो जो रोमन के अंदर जो लिख रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि हमें तीन स्पेस रखनी पड़ती है, जिसमें असेंडर पार्ट उसका, बीच में ये जो बॉडी का पार्ट और फिर ये डिसेंडर पार्ट। अब ये डिसेंडर, असेंडर और बॉडी कितना कितना हो, ये हम कैसे इसका अंदाज लगाएं, ये आवश्यक हो जाता है, है ना। तो इसको लगाने के लिए या इसको जब भी कभी हम ये सीखेंगे या करेंगे या राइटिंग लिखेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि इस राइटिंग, ये इसका एक नाप लेना पड़ेगा। तो जिस पेन से आपको लिखना है उसी से ही असेंडर का नाप लगाएंगे, उसी से ही डिसेंडर का नाप लगाएंगे और उसी से ही बॉडी का नाप लगाएंगे। देखिए कैसे नाप लगाते हैं,
ये पेन हमने चालू किया और ये वन, ये टू, ये थ्री, ये वन टू ये थ्री ये फोर, ये वन ये टू ये थ्री, मतलब तीन पेन के ये जो स्ट्रोक है। अब इस पेन को, इस स्ट्रोक को या इस इतनी इस जगह को हम कहते हैं पेन विड्थ। तो सारा कुछ जो नाप लगाना है पेन विड्थ से नाप लगाएंगे। ये है पेन विड्थ, इतनी जो पेन जितनी चौड़ाई से लिखता है उसको हम कहते हैं पेन विड्थ या पेन की चौड़ाई या निब की चौड़ाई या कलम की चौड़ाई। ये जो है ये कलम की ये चौड़ाई है, यहाँ इसकी पेन विड्थ ये है, इसकी पेन विड्थ ये थी और इसकी पेन विड्थ जो है वो ये है। अलग अलग जिस पेन से लिखना है उसी पेन से आपको मार्किंग करनी है या नाप लगाना है, ठीक है। तो अब मैं नाप लगा हुआ एक शीट लेता हूं और उसमें दिखाता हूं। ये नाप लगी हुई शीट है, ये आप देखें कि ये वन, ये टू और ये थ्री, ये वन टू थ्री फोर, ये वन ये टू ये थ्री, ये हो गया आपका असेंडेंट। ये असेंडेंट, ये बॉडी और ये आपका डिसेंडेंट है ना। अब क्या है जो इसके लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस राइटिंग पर फोकस किया, बहुत सारी स्टडीज की और उन्होंने ही ये सब बताया कि किस तरह से आपको असेंडर का नाप लेना है, किस तरह से बॉडी का नाप लेना है और किस तरह से डिसेंडर का लेना है। उनका नाम था एडवर्ड जॉनस्टन। एडवर्ड जॉनस्टन जो है उन्होंने ही ये सारा एक तरीका निकाला। फिर उन्होंने देखा कि राइटिंग जो है रोमन जो है वो 30 डिग्री के ऊपर फॉलो की हुई है या उसके ऊपर चली हुई है या उससे लिखी हुई है ना। अब क्या करते हैं हम इस एंगल को लगा के देखते हैं। तो यहां से हम इसके ऊपर से लिखना शुरू करेंगे ए के लिए। तो जहां से लिखना शुरू करेंगे वहीं से हम एक एंगल तय करने का काम करेंगे। मतलब ये यहां से आपने एक एंगल तय किया, ये खड़ा एंगल जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल या ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री इसका आधा कर दे ऐसे तो ये 45 हो गया। अब इस 45 के तीन टुकड़े कर लेते तो 45 के तीन टुकड़े करने पे 15 15 ये हो जाते हैं। 15 और 15 मिला करके होते हैं 30। तो 30 डिग्री के एंगल पे हमारी ये रोमन राइटिंग है, 30 डिग्री के ऊपर रोमन राइटिंग है, ये 30 डिग्री का एंगल है इसका, है ना। अब इस 30 डिग्री के एंगल पे हम लोग ये रोमन राइटिंग लिखेंगे। देखिए कि बेस लेटर हमारा ओ है, पेन को पकड़ना इस तरह से है, जिस तरह से वो पेन पेपर पे टिके आसानी से चले उसी तरीके से आपको ये चलाना है, ये वन और ये टू, बेस लेटर हमारा ओ है, ये वन
और टू मतलब आपने दो कर्व लगाए, कौन कौन से, लेफ्ट का और राइट का, ये लेफ्ट और ये राइट। ए लिखने के लिए ये वन और ये टू है ना। ये बी लिखने के लिए असेंडर से चल करके बेसलाइन तक एक खड़ा स्ट्रोक, फिर एक कर्व राइट का और ये टच कर दिया। तो इसमें कितने स्ट्रोक हो गए, वन और ये टू, ये वन और ये टू, ये फिर वन और टू, ये वन और ये टू, ये हो गया सी। और इसी सी को डी बनाने के लिए एक खड़ा स्ट्रोक हमने लगाया। इसी तरह से इसी सी को ई बनाना है, इसी सी को ई बनाना है, तो ये सेकंड स्ट्रोक इस तरह से लगाया है ना, ए बी सी डी ई। अब क्या है, एफ लिखने के लिए ये असेंडर से नीचे डिसेंडर लाइन तक हम पहुंच गए, एक खड़ा स्ट्रोक लगाया वर्टिकल, फिर ये आड़ा स्ट्रोक, फिर ये आड़ा स्ट्रोक हल्का सा झुका के, और फिर ये आड़ा स्ट्रोक, वन टू थ्री फोर, चार स्ट्रोक लगाए और हमारा एफ फॉर्म हो गया, मतलब लिखा गया। अब जो भी राइटिंग है उसको हम क्या कहेंगे कि हम लेटर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब लेटर्स का फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप उसको कोई आकार दे रहे हैं, उसका कोई रूप बना रहे हैं, ठीक है। ये जी में कितने लगे स्ट्रोक, वन टू थ्री फोर, एच में वन एक खड़ा और ये एक आड़ा जो वापस खड़ा हो गया, मतलब वन टू, आई में वन और ये एक डॉट, मतलब ये टू, ये सेकेंड है, ये वन और ये टू, जे में वन और ये टू और ये थ्री, इसमें तीन स्ट्रोक हो गए, के में वन और ये टू और ये थ्री, एल में वन, एम वन और ये टू और ये थ्री, एड में वन और ये टू, ओ में वन और ये टू, पी में वन, वेस्ट लाइन से नीचे असेंडर लाइन तक, डिसेंडर लाइन तक, और फिर ये एक कर राइट का टच होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। ऐसा ही क्यू है, इसमें गोल स्ट्रोक पहले आया, वन ये टू और ये थ्री, आर में वन और ये टू, एस में वन, ऐसे ये घुमा हुआ स्ट्रोक, और फिर ये सेकंड और ये थर्ड, टी में वन ऐसे आड़ा, फिर ये खड़ा जो नीचे ऐसे घूम के आड़ा हो जाएगा, यू ये वी
और ये है आपका डबल वी। डब्ल्यू जिसको कहते हैं वो डबल वी है इस तरह से। यह आपका एक्स है वन और ये टू और ये थ्री है ना, ये राइट का और ये फिर लेफ्ट का, फिर ये लेफ्ट एक्सटेंड हुआ इस तरह से, तीन स्ट्रोक यहाँ लग गए। ये वाई में वन, ये टू और ये थ्री, और ये जेड में वन टू और थ्री। तो कहने का मतलब ये है कि पहली राइटिंग स्मॉलर है, और स्मॉलर का प्रमाण ये है कि एस से लेकर के और जेड तक ये अक्षर कैपिटल में भी लगभग वैसे ही मिलते हैं। अब एक नंबर्स पे फोकस कर लें। नंबर्स देखो कैसे हैं रोमन के, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स वन और ये टू, सेवन में वन और ये टू, एट में वन टू थ्री और ये फोर, नाइन में वन और ये टू और फिर ये जीरो में वन और ये टू। इस तरह से क्या है, हमने रोमन का स्मॉलर देखा, ठीक है। अब इसमें कैपिटल बता दूं, ये कैपिटल मैं बता देता हूं क्या है। अभी तक हमने ये देखा कि ये राइटिंग है जो असेंडर बॉडी और डिसेंडर की अंदर लिखी जा रही है ना, और पहली राइटिंग है वो आपके रोमन है, रोमन में स्मॉलर ही थे, कैपिटल नहीं थे, कैपिटल नहीं आए और कैपिटल बहुत बाद में आए है ना। अभी ये जो कैलीग्राफी है ये हमने इस निब से लिखी है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नाप जो लगाना है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप लिख रहे हैं उसी से ही ये नाप लगाना है, एसेंडर का, बॉडी का और डिसेंडर का, और फिर सीधी लाइनें डालनी है और फिर आपको लिखना है। मैं इसका एक कैपिटल वर्शन बता देता हूं। कैपिटल में क्या है कि ऊपर की तीन लाइनों में कैपिटल लिखे जाते हैं, ऊपर की तीन लाइन में कैपिटल लिखे जाते हैं। मैं आपको छोटा सा ये वापस से नाप लिख के दिखा देता हूं, और वो राइटिंग भी क्या है 30 डिग्री पर चली हुई है, ये राइटिंग भी आपकी 30 डिग्री के ऊपर चली हुई थी, वहां भी 30 डिग्री ही फॉलो करना है। अब क्या है कैपिटल लिखने के लिए ऊपर के तीन लाइन का मतलब है आपका तीन और चार, तीन असेंडर और ये चार बॉडी, इसमें लिखना है। लेकिन कैपिटल क्या है एक पॉइंट या एक पेज विड्थ छोड़नी है और सिर्फ छह के अंदर ही लिखनी है, तो ये छह के हिसाब से मैं ये लगा रहा हूं, वन टू थ्री वन टू थ्री है ना, वन टू थ्री वन टू थ्री, छह में लिखनी है, एक पेन विड्थ छोड़ देनी है,
वहां कितना होना था, सात होना था, तीन और चार सात, ऊपर की तीन लाइन का जो है, लेकिन ये एक पेन वर्ड छोड़ करके और फिर लिख लिया, सीधी लाइन डाल रहा हूं। ये देखिए ये सीधी लाइन है, इसके लिए आप सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से ये राइटिंग के लिए अपने ये छह के अंदर हमने लिखे हैं। अब देखिए एंगल वो ही रहेगा, फिर से एंगल देख लीजिए, अगर एंगल समझ में नहीं आया तो ये इस लाइन से हमें लिखना है, नीचे की तरफ जाना है और ये इस लाइन पे ये 90 डिग्री, ये हमारा 45 और ये हमारा 30, तीन ऐसे डिवाइड कर लिए तो इसमें ये 30 डिग्री, पेन जो है 30 डिग्री पे चलेगा, ऐसे पकड़ के रखना है जिससे हम एंगल को अपना सेट रखें। एंगल बार बार में नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको समझ गए हैं तो। अब ये देखिए ये वन और ये थ्री, ये वन और ये टू और ये थ्री, ये वन और ये टू, ये वन और ये टू, ये वन और ये टू, ये थ्री, ये फोर। इसमें जी में ये वन, फिर ये टू और फिर ये थ्री, एच में वन और ये टू और ये थ्री। एंगल सही रखेंगे और प्रॉपर उसमें साइज में लिखेंगे और स्ट्रोक बराबर लगाएंगे, एंगल चेंज नहीं करेंगे, चेंज करते ही सब कुछ खराब हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे छपा हुआ जो हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा इसमें लगेगा कि बिल्कुल छपा हुआ है, आप लिख नहीं रहे, ऐसा लगेगा कि जैसे छपा हुआ है, ये जो प्रिंट में दिखता है उसी तरीके से ये दिखने लग जाएंगे। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये वन और ये टू और ये थ्री, ये वन और ये टू, ये वन और ये टू, ये वन और ये टू और ये थ्री और फिर ये वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री, एस में वन ऐसे, फिर ये टू, फिर ये थ्री, टी में वन और ये टू, फिर यू में वन और ये टू और वी में वन और टू, फिर ये डबल वी है वन और ये टू और ये थ्री और ये फोर, इस तरह से एम से भी बड़ा नजर आता है ये, एक्स में वन और ये टू और ये थ्री, वाई में वन और ये टू और ये थ्री, और जेड में वन और ये टू और ये थ्री, ठीक है।
ये हो गए इसके कैपिटल। कैपिटल मतलब ऊपर की तीन लाइन में होते हैं। ऊपर की तीन लाइन का मतलब है कि आपके अगर स्मॉल को देखते हैं तो हमारा सात पेन विड्थ का स्पेस होना चाहिए। सात पेन विड्थ की स्पेस की जगह हमारे हमने क्या किया, एक पेन विड्थ छोड़ी है और छह के अंदर हमने राइटिंग की है। ऐसा ही इसमें होता है राइटिंग में कि कैपिटल जो है स्मॉल वाले उससे छोटे होते हैं ताकि वो इससे स्मॉल से कैपिटल का राइटिंग के अंदर बैलेंस आ जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक किया कि हमने एक रोमन का स्ट्रक्चर लेगा, रोमन को हमने देखा और रोमन का हमने देखा कि ये 30 डिग्री के ऊपर रोमन लिखी हुई है और रोमन को आप देखिए कि किस तरह से रोमन है, 30 डिग्री पे ये इसका स्मॉल और ये इसका कैपिटल। अब जो है हम ये देख लेते हैं कि इसकी जस्ट बात की, या हिंदी थोड़ा सा फोकस करूं हिंदी पे, मैं हिंदी बता देता हूं। हिंदी जो है उसमें जो है पेन, अभी तक आपने देखा होगा कि ये पेन इस तरह से पकड़ा है ना, अभी इस पेन को उल्टा किया जाए और इसका एंगल ऐसे लिया जाए, जैसे अभी इस एंगल पे चालू होते हैं हम लोग, रोमन इस तरह से लिखा, अब ये एंगल हमारा यूं हो जाएगा, इधर ये इधर से, तो इसको उल्टा करके हम लिखेंगे। तो ये देखिए उल्टा करके ये, अब ये उल्टा करके एंगल कितना लेना है, वो है ये एंगल 45 का, ये है एंगल 45 का, इधर से एंगल चलेगा तो ये 135 हो जाएगा और इधर से अगर लेंगे तो ये एंगल 45 पे होगा, इधर से ये 45, इधर से ये 135। तो इस तरह से ये हिंदी आपको लिखनी है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये ए है। और अब ये ए इतना ही रह गया, 1 और 2 और 3, ये 4 है ना, तो ये ए, ये पुराना ए था हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में है, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये आ की मात्रा देखिए बिल्कुल प्रिंट के जैसा लगेगा, ये ई, ये ऊ, कैसे इस तरह से तीन बना के, और ये नहीं लिखना है, ये इस तरह से है ऊ, ये ए इस तरह से, और ये ए, ये अ की मात्रा आ गई, ये ई बड़ा जिसको कहते हैं, ये ऐसे, ये मात्रा लगते ही ये बड़ी ई हो गई, ये ऊ ऐसे 1 और ये 2, इसके
साथ में ये लगाते ही ये बड़ा ऊ हो गया, ऊ ये ए आ गया आपका, ये आई हो गया, ऐसे मात्रा लगाते ही। और ये ओ वन और ये टू और ये थ्री, ये ओ, ये देखिए मात्रा कैसे लगी, ऐसे ये औ इसमें दो मात्राएं ऊपर वन और ये अम और ये ऐसे, मतलब ये पेन को उल्टा चलाना पड़ रहा है। ये आह ये जो पेन है ये निब वाले पेन है और जिनसे हम ये कैलिग्राफी कर रहे हैं और ये मार्केट में मिल जाते हैं, ये खरीदे के वन टू कलम से भी लिखे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कलम से नहीं लिखे जा सकते। ये घर, ये घर और इन पेन को कहते हैं राउंड हैंड पेन, टेक्निकल नाम जो है इनका राउंड हैंड पेन है, लेकिन कैलिग्राफी के नाम से ही बिकते हैं। ये चे छे देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्रिंट में है या छपा हुआ है अक्षर है, तो आप प्रॉपर पकड़ करके तरीके से लिखेंगे, गलत तरीके से पकड़ेंगे नहीं है ना। ये पहले वाला जे जो ऐसा था, ये अब इन्होंने ये जे जो है मराठी से लिया हुआ है, इसको जे मान लिया है, ये यह सेशन कंप्लीट किया ये फिर है ये है ये डर डरिया वाला ये डमरू वाला ये डर एक नहीं, इसमें पहले भी था जो इस तरह से था,
ये त, जैसे फिर ये थ्रे, एंगल और पेन का ग्रिप सही रखेंगे, एंगल चेंज नहीं होना है, पहले आ गया ये वैसे कोई बात नहीं, ये और ये नंबर्स निकाल दूं इसके, नहीं चलेगा? तो ये भी आपने देख लिया किस तरह से राइटिंग आई है, बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे ये प्रिंट में है या छपी हुई है। जब तक राइटिंग आप प्रॉपर उसमें पकड़ में नहीं रखेंगे पेन को, और प्रॉपर उसमें साइज में नहीं लिखेंगे, और तरीके से उसको नहीं चलाएंगे पेन को, उसी एंगल पे निर्धारित एंगल जो है उसी पर ही चलाना पड़ेगा तब जाकर के ये इस तरह से टाइपिंग आपकी आएगी। मैं समझता हूँ आप सब ने बहुत इसको अच्छे से देखा, सीखा और समझा। सर कुछ क्वेश्चंस है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। मेघा ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर कौन सा पेन हमें यूज करना चाहिए कैलीग्राफी के लिए? कोई सा भी पेन आप यूज कर सकती हो कैलीग्राफी के लिए, जिसमें ये कट हो या इस तरह से ये कलम हो, कलम से भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
कि खाली ये कलम आप खुद भी बना सकती है, ये बांस की कलम है जी सर। सर पूजा रेनु और मीनू का एक क्वेश्चन है, मिलते हैं पेन, रेडीमेड पेन मिलते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपको इसके ऊपर पेपर पर इंक छोड़ेंगे, है ना, जी और सर। इसमें क्या है इंक नहीं छूटेगी आप। जी सर। सर एक और सवाल था पूजा का, रेनु और मीनू का, कि क्या कोई स्पेशल टूल या पेन या इंक हमें चाहिए होता है कैलीग्राफी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सादा इंक है कैमल की, और ये सादा टूल है जो बांस से बनाया हुआ है ना, ये बाजार में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, है ना, बस इसको चलाना जो है प्रॉपर तरीके से चलाना है, प्रॉपर एंगल पे चलाना है, पकड़ के चलाना है ना, अपनी मर्जी से इस पर कुछ भी नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल सॉफ्टली चलाना है ना, बिल्कुल सॉफ्टली चलाना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है किसी भी राइटर के अंदर, कहीं भी प्रेशर नहीं है, है ना, ग्रिप आपका सही होना चाहिए और सही नाप जो लगी रहे और उस पे आपको काम करना है। अभी जैसे ये देखा, ये इस तरफ से 45 एंगल है और इधर से अगर एंगल नापते हैं हम तो ये 135 का है जी जिसके ऊपर ये हिंदी के अक्षर लिखे गए हैं। जी सर। सर क्या हम कैलीग्राफी में फाउंटेन पेन का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा समीर माथुर माथुर पूछ रहे हैं। फाउंटेन पेन से सिर्फ जो है आप जो जनरल राइटिंग है वो भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाली राइटिंग है यही आप लिख सकते हैं, है ना? जी सर। जो बोर्ड लाइन में जो लिख रहे हैं वो फाउंटेन पेन से जो राइटिंग लिख रहे हैं वो ये राइटिंग है ना, ये राइटिंग आप फाउंटेन पेन से ही करें तो बहुत बेहतर है और सही है। सर जब आप कैपिटल लेटर्स बता रहे थे तो उसमें आप शायद एफ लेटर बताना भूल गए थे, तो केशकी का ये सवाल था कि हमें कैपिटल में एफ कैसे लिखेंगे? एफ जी सर। एफ भी वही ई के जैसा है, ये वन और ये टू और ये थ्री, ये थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा ऊपर, ये स्पेस थोड़ा कम नजर आ रहा है, ये स्पेस थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें ये स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है, ये स्पेस कम है, ये इस तरह से है जी। देखिए आपने जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सुंदर ऑनलाइन कैलीग्राफी सेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल सेम टाइम सुबह 10 बजे हम फिर मिलेंगे ऑनलाइन फर पेंटिंग सेशन में, जिसमें हमारे साथ होंगे मनोज जोशी सर। मेनी थैंक्स टू आवर टेक्निकल टीम हु इज सपोर्टिंग अस थ्रू आउट टू मेक दिस सेशन गो लाइव। तो कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। स्टे होम, स्टे सेफ।